या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह फातिहा और तीन मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा लीजिएगा। बारे इलाहा इन आयतों को जो हमने अपने नुत्क से दोहराया, इसे हम जनाब साहिब अल-अम्र की बारगाह में पेश करते हुए, क्योंकि हमारी इबादतें हतमन नाकिस हैं और उनकी बारगाह में पेश होने की बरकत से इसका नक्श दूर हो जाए और इसे कमाल हासिल हो जाए और इसके बाद इससे हासिल होने वाले अजर सवाब को हम हदिया पेश करते हैं सैयद समर अब्बास नकवी इब्ने सैयद इशफाक हुसैन नकवी और मोहतममीन और हाजरीन मजलिस के खानवादों के जुमला मरहूमिन मरहूमात के हुजूर। बारे इलाहा जो जो मोमिनीन व मोमिनात अलील हैं शिफाए कामिल अता फरमा, तंग दस्त हैं कुशाइश अता फरमा, कैदो बंद की सऊबतों में हैं रिहाई अता फरमा, मुश्किलों में हैं कुशा फरमा। बारे इलाहा आबिद व महबूद की मारिफत अता फरमा, जिक्र जाकिर व मजकूर की विलायत पर साबित कदम रख। बारे इलाहा तुझे इब्तिलाए विलायत का वास्ता, मोमिनीन को उनकी इब्तिलाओं में सुरखरू फरमा। इस इबादत जिक्र की बरकतों को मोहतममीन और हाजरीन मजलिस की जिंदगियों में शामिल हाल फरमा। इस इबादत जिक्र को सबब करार दे मोहतममीन और हाजरीन मजलिस के खानवादों के जुमला मरहूमिन और मरहूमात की मगफिरत का। बारे इलाहा तुझे इब्तिलाए विलायत का वास्ता, मोमिनीन को उनकी इब्तिलाओं में सुरखरू फरमा। हमारी हर दुआ की एक दुआ, हमें यतीमी से नजात दे, हमारे वारिस का जल जहूर फरमा। कबूलियत दुआ के लिए एक मरतबा मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद की तिलावत फरमा ले। अगर जहमत महसूस न करें तो मेरी बाईं जानिब काफ़ी जगह मौजूद है, बाद में आने वाले अफराद की आसानी के लिए जो रास्ते में दरवाजे में तशरीफ़ फरमा है दुरूद पढ़ते हुए अगर यहाँ तशरीफ़ ले आएँ ताकि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون وصلى الله على شافع الأمم ودافع النقم وكاشف الظلم وسيد الأمم شفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم में मोहम्मद खातम नबीन वाला अहल बैतहिल्लज़ीन हुम क़ादतुल उमम व औलिया उन्नम व अबवाबुल ईमान व उमनाउर रहमान वल हक़ माहुम वफ़ीहिम व मिनहुम व इलैहिम व अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज़्ज़ा व तहरहुम तत्हीरा واللعنه الدائمه على اعدائهم اجمعين من الان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والقيا في جهنم كل كفار عنيد درود پڑھیے گا زوالت صاحب بارے دیگر درود کی زحمت فرمائیے گا। शामिल मोहतरम सूरा काफ से एक बहुत मुख्तसर सी आयत सरनामे गुफ्तगू के तौर पर पढ़ी है।
कि जिसमें खालिकुल खल्क मालिकुल मुल्क रब मोहम्मद व आले मोहम्मद अपने हबीब वजह खिलकत कायनात इल्लत गाय मुमकिनात अहमद व मोहम्मद के लबों से कुछ ऐसे बदनसीबों का इस आलम से चले जाने के बाद मौत के बाद फिर उठाए जाने के बाद हश्र की सख्ती से गुजरते हुए सिरात तक पहुंचकर अली और नबी दोनों के हाथों फिर से गर्दन जनी की मंजर कशी कर रहा अल्लाह अकबर आपकी मवद्दत सलामत फरमाया व अलकिया फी जहन्नम कुल्ल कफ्फारिन अनीद। हश्र का दिन है, कयामत का दिन है, हश्र के मैदान में खड़ी हुई खलाएक के लिए तखातुब होगा और अर्श से आवाज आएगी तुम दोनों हर बड़े काफिर को जहन्नम में झोंक दो। अलकिया तस्निया का सीगा है इसलिए कहा तुम दोनों। अगर यहां पर यह कहा जाए कि ये जिनसे कहा जा रहा है कि तुम दोनों उन्हें जहन्नम में झोंक दो ये मलाइका हैं तो सब कहेंगे बिल्कुल ऐन मुमकिन है उसके अम्र के मालिक हैं। अगर मैं कहूं कि ये आले मोहम्मद हैं तो जिनके शजरों से कब्रों तक शक साथ चलता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मैं इब्ने अब्बास की एक हदीस से गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूं और इब्ने अब्बास वो मशहूर मुफस्सिर कुरान है कि जिसकी शख्सियत पर किसी को कोई एतराज ही नहीं। इब्ने अब्बास ने कहा कि मैंने खुद वमा यंतिको अनिल हवा के लबों से सुना था। क्या कह रहे हैं इब्ने अब्बास? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कह रहे हैं मैंने खुद रिसालत माआब से सुना रसूल ने यह फरमाया व अलकिया फी जहन्नम कुल्ल कफ्फारिन अनीद की आयत के पीछे जो मंजर छुपा है रसूल फरमा रहे हैं अकिफ अना व अली अलस सिरात बियद कुल वाहिद मिन्ना सैफुन वला यमुर अहद मिन खल्किल्लाह इल्ला वसअलनाहु अन विलायत अली इब्ने अबी طالب و من معه شيخ منها فوزا ونجا و من و الا ضربنا عنقه و القيا في جهنم الله اكبر الله اكبر जियो आपकी मवद्दत सलामत। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कह रहे हैं कि मैंने खुद रिसालत माआब की जुबान से सुना कि वमा यंतिको अनिल हवा ये कह रहे थे कि हश्र का दिन होगा सिरात के पुल पर एक तरफ मैं मोहम्मद जो जमाल का मजहर हूँ एक तरफ अली जो जलाल का मजहर है जो जलाल का मजहर है उसके हाथ में भी तलवार जो जमाल का मजहर है उसके हाथ में भी तलवार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जियो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कह रहे हैं रसूल ने फरमाया हश्र के दिन सिरात के पुल पर एक तरफ अली होगा एक तरफ मैं मोहम्मद होऊंगा हम दोनों के हाथ में तलवार होगी हश्र के मैदान में आदम अव्वल से लेकर कयाम कयामत तक आने वाले आखिरी आदम जात तक की खलाइक जब आगे बढ़ने के लिए सिरात तक पहुंचेंगी जो भी सिरात की तरफ कदम बढ़ाएगा हम उसे रोक कर कहेंगे रुक ये बता पहले अली की विलायत लाया है अल्लाह अकबर। जियो या अली जियो आपकी मवद्दत सलामत। सअलनाहु अन विलायत अली हम उससे अली की विलायत के बारे सवाल करेंगे मन माऊ शय उम्मिनहा जिसके पास भी अली की विलायत में जर्रा बराबर भी कोई शय होगी फाजा व नजा कामयाब हो जाएगा नजात पा जाएगा व इल्ला फजरबना उनकहु व अलकैनाहु नार जिस किसी के दिल में भी अली के लिए शक हुआ विलायत के लिए इनकार हुआ हम उसकी गर्दन मार के जहन्नम में झोंक देंगे अल्लाह यार। जियो आपकी मवद्दत सलामत।
इस मरहले पर रुककर जरा तवज्जो करने की जरूरत है। जरा गौर तो फरमाइए, क्या इससे बड़ा बदबख्त कोई हो सकता है? जब अबदी जिंदगी मिलने का वक्त आया, उस वक्त यदुल्लाह के हाथों जिबा होना लिखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह, हर अली वाला मेरा हम कदम भी है, आमादे समात भी है। माला तकी के एक वाकये से गुफ्तगू का आगाज करने लगा हूं। एक रावी कहता है कि अहमद इब्ने अबी दाऊद जब मेरे पास आया, अब ये वो बंदा है कि कोई आम अफराद में से नहीं है। इस अहमद इब्ने अबी दाऊद के तारुफ में मैं दो ही जुमले कह दूं तो आप समझ जाएंगे कि ये किस कैलिबर का आदमी है। वासिक के जमाने तक इसे मुतसिम बिल्लाह ने चीफ जस्टिस बनाया था बगदाद का, बगदाद का काजी अल कुजात है। तो जो काजी अल कुजात है वो कोई जिसे है ना मेरे हम कदम। रावी कहता है जब ये मेरे पास आया, इसका चेहरा मुतगैर है और जेरे लब बुड़बुड़ाता हुआ कहने लगा कि काश मुझे मौत ही आ जाती। अब जब ये जुमला रावी ने सुना, एक जुमला कहने लगा हूं यहां पर, जो हकीकत इल्म उसके इसमें अलीम के मजहर बाब इल्म का वारिस, शहरे इल्म के वारिस के आगे खुद को आलिम कहने की कोशिश करे, मौत भी उसकी जहालत नहीं छुपा सकती। अल्लाह अकबर, जियो या अली। कहता है मौत ही आ जाती। जब ये जुमला सुना रावी कहता है मैं ठिठका। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगा आज मैं इतना बड़ा मशहूर आलिम, भरे दरबार में मेरी आज कली खुल गई। उन्होंने कहा हुआ क्या? कहता है एक चोर को लाया गया था और जब उस चोर को लाया गया दरबार में तो हाकिम ने मुझसे कहा कि हद जारी करो। वो चोर अपनी चोर होने का एतराफ भी कर चुका था। मैंने कहा हद क्या जारी करनी, चोर की हद हाथ काटना हुक्म है, इसके हाथ काट डालो। कहने लगे काश ऐसा होता कि जल्लाद बगैर पूछे उसके हाथ काट ही डालता, बात मेरी तरफ ना आती। कहता जब जब जल्लाद को बुलाया गया, इधर जल्लाद आया, जल्लाद ने सवाल किया, कहा मैं इसका हाथ कहां से काटूं? कहता है इधर सवाल किया कि कहां से काटूं, उधर से रिजा का बेटा तकी दरबार में दाखिल। अल्लाह अकबर। अब कहता है कि जब वो दाखिल हुआ तो हाकिम ने सवाल किया, कहा चोर की हद जारी करने का हुक्म क्या है? अब मौला ने जो खुद अलीम का मजहर है, उसने हम तक बात पहुंचाने के लिए सवाल किया, कहा जिसे तूने काजी उल कुजात के मनसब पर बिठाया है, जिसने हाथ काटने का हुक्म दिया है, उसने नहीं बताया कहां से काटना है? अल्लाह अकबर। अब मिलकर, अब जब बात उसने देखा कि ये तो वारिस रसूल आ गया है, वारिस कुरान आ गया है, अब कहता है मैंने क्या हुक्म लगाना, ये तो कुरान में आयत मौजूद है, फ़ग़सिलु वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। अभी आयत वजू की आयत है और बात आ गई है तो यहां पर रुक के एक जुमला कहता चलूं। ये वजू के हुक्म की आयत है। बुनियादी तौर पर अरबी में दो स्कूल ऑफ थाट्स हैं, दो मकतब फिक्र हैं, एक बसरी मकतब फिक्र, एक कूफी मकतब फिक्र, जो जिस तरह उर्दू के एक दक्कन है, एक लखनऊ है ना मेरे साथ। जो कूफी मकतब फिक्र है ये अबुल अस्वद दुअली का वजह करदा है, जिसे जनाब अमीर ने खुद अरबी के कवायद तालीम फरमाए। जो बसरी स्कूल ऑफ थॉट है ये बनू उमैया का स्कूल ऑफ थॉट है, जहां पर न सिर्फ लफ्जों के मफाहिम बदले गए बल्कि कवायद को भी बदल दिया गया।
यही वजह है कि फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदीयकुम इलल मराफ़िक। इला का आम मतलब तक है, लेकिन इसका मतलब सिर्फ तक नहीं, इसका 17 मतलब है। ये मैयत के मानी में भी आता है। अपने चेहरों और हाथों को धो कोहनियों तक। अब जब इला सिर्फ तक के मानी में लिया जाएगा तो वजू यूं किया जाएगा, जबकि यहाँ इला मा के मानी में है। इसी आयत से इस्तेमाल किया, उसने घबराए हुए तो नहीं है ना मेरे हम कदम, बात भूली तो नहीं ना। इसी आयत से उसने इस्तेमाल किया, कहता कुरान ये कह रहा है फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदीयकुम इलल मराफ़िक, क्योंकि हाथों को कोहनियों तक धोया जाता है, लिहाजा कोहनियों तक काटो। अल्लाहु अकबर। अब जब उसने कहा कोहनियों तक काटो, वो जो हाकिम था उसने सवाल किया, कहा फरजंदे रसूल क्या इसने जो हद जारी करने के लिए हुक्म लगाया, क्या इसका हुक्म ठीक है? मौला ने फरमाया इसने कुरान से हुक्म को साबित नहीं किया, कुरान से अपनी जहालत को साबित किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कहा मौला फिर हुक्म क्या है? कहा कुरान ये नहीं कह रहा वा अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मसाजिद मस्जिद की जमा है, यानी मकामात सजदा। मकामात सजदा कितने हैं? 7। पेशानी, हथेलियां, घुटने, पांव के 2 अंगूठे, ये हैं मकामात सजदा। मौला ने कहा ये जो कुरान कह रहा है कि मकामात सजदा का मालिक अल्लाह है, तो तुम्हारी क्या औकात के वो शय जो है ही अल्लाह के लिए, उसे तुम कैसे काट सकते हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहता है माला तो फिर ये जो चोर के हाथ काटने का हुक्म है, ये हुक्म क्या है? कहा हाथ काटने का हुक्म है, लेकिन हथेलियां छोड़कर उंगलियों की जड़ों से काटा जाएगा। अल्लाह अकबर। घबराए हुए नहीं तो बात, सभी आमादा समात हैं या जहां पर आपकी समात दम तोड़ने लगे मुझे इशारा कीजिएगा, मैं गुफ्तगु समेट लूंगा। एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिएगा मिलके बाबा से बोलो। इसी इमाम के पास एक बंदा आया माला तकी के पास और बड़ा खुश खुश इज़्ज़त चाहा, इजाजत मिली, चेहरे पर इतनी मुसर्रत के फूले नहीं समा रहा अब हम तक बात पहुंचाने के लिए। माला ने कहा बहुत खुश दिखाई देता है। कहने लगे हाँ मुझे आपके बाबा ने कहा था, मौला रिजा ने कहा था कि जो बंदा भी अगर कभी किसी मोमिन के काम आता है या अल्लाह की सबील में कुछ खर्च करता है वो दिन उसकी ईद का दिन है, मैं इसीलिए खुश हूं। अब जब इसने ये जुमला कहा मौला ने कहा तेरे लिए तो ये खुशी की बात है, तूने ऐसा क्या किया? कहने लगा आज 10 नादार मोमिन आए थे मेरे पास, नादार भी ऐसे कि ना खाने को कुछ ना पहनने को, मैं चूंकि उनके काम आया इसीलिए खुश हूं। माला ने कहा ये तेरे लिए खुशी हो सकती है, ख्याल रखना कहीं ये खुशी जो तेरे लिए खुशी है तेरे आमाल जाया करने का सबब ना बन जाए। घबराए हुए आगे बढ़ो, बस मैं तेजी से आगे बढ़ने लगा हूं यहां से। अब जब सुना जाया, हैरान होकर कहता है माला मेरे अमल भी जाया हो सकते हैं, मैं तो आपका खालिस शिया हूं। मुखातिब है इमाम से, उन्हीं की बारगाह में बैठा है, उन्हीं से मुखातिब होकर कह रहा है मैं तो आपका खालिस शिया हूं। मौला ने कहा तूने कुरान में वो आयत नहीं पढ़ी जिसमें कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुबतिलु सदकातकुम बिलमन्न वल अज़ा, ओ ईमान वालों अपनी नेकियों को अजियत देने या एहसान जतलाने से जाया न कर बैठना। जब इसने ये जुमला सुना, आयत सुनी, कहता है माला मैंने जिन पर एहसान किया मैंने तो उनसे कोई बात नहीं कहा, उनसे नहीं की ना, मेरे सामने तो बैठ के जतला रहा है। और ये जो तू कह रहा है कि मैं आपका खालिस शिया हूं, हमारा खालिस शिया तो इब्राहिम है, तू खुद को इब्राहिम समझता है, सलमान समझता है, हिजकील समझता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर।
यही सबब है कि वो सलमान जो इनका खालिस शिया है, जो मिन्नियत के मकाम पर फाइज है, जिसके लिए इन्होंने मिन्ना अहलल बैत कहा है, वो सलमान है जो बड़ी मशहूर हदीस कि सलमान जन्नत जाने का मुश्ताक नहीं, जन्नत मुश्ताक है कि सलमान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। यानी इनके शिया होने का मरातिब में से एक मर्तबा यह है कि जन्नत तमन्ना करती है कि मैं खुद को सलमान के कदमों के नीचे नछावर करूं। और बात यहां पर आई है तो एक जुमला सामने आ रहा है, हो सकता है बाज़ अफराद ने सुना होगा तो तजदीद हाफ़िज़ा हो जाएगी, और अगर ये भी कहता चलूं कि सुना भी होगा तो मुझी से सुना होगा, अर्ज करूं ना। सलमान की जन्नत से मुतालिक एक मकाम पर एक जुमला है, मैंने कहीं सुनाया था, अगर जहनों में जो जिन्होंने सुना है तजदीद हाफ़िज़ा हो जाएगी। सलमान की जन्नत से मुतालिक एक मकाम पर बात करते हुए इरशाद फरमाया कि सलमान जिस जन्नत में जाएगा, यह जन्नत वो जन्नत नहीं जिसे तुम जानते हो। अल्लाह अकबर। कहा सलमान कौन सी जन्नत उसकी मंजिल है? कहा सलमान की मंजिल मानवी जन्नत है। कहा मानवी जन्नत कौन सी है? कहा इन्ना लिल्लाहि जन्नतुन लैसा फीहा हूरुन वला कुसूरुन वला लबनुन वला असलुन बल यतजल्ला फीहिर रब। कहा अल्लाह की एक जन्नत ऐसी है न जिसमें कोई हूर है, न जिसमें कोई कसूर है, न उसमें कोई महल है, न उसमें कोई हूरे हैं, न कोई दूध की नहरें हैं, न कोई शहद की नहरें हैं। जब ये जुमला इरशाद फरमाया, सवाली ने हैरान होके कहा, मौला ये कैसी जन्नत है, न जिसमें दूध की नहरें, न जिसमें शहद की नहरें, तो फिर उसमें नेमतें कौन सी हैं? कहा उस मानवी जन्नत जो सलमान की मंजिल है, उसकी नेमतों में से एक नेमत ये है, यतजल्ला फीह रब, उसमें रब कभी कभी तजल्ली करता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। जियो आपकी मवद्दत सलामत, आपकी मवद्दत सलामत। जिस जो जन्नत सलमान की मंजिल है, वहां की नेमतों में से एक नेमत यह है कि वहां कभी कभी वो तजल्ली करता है। अल्लाह अकबर। मेरी क्या जुरात के मैं कहूं कि वो तजल्ली क्या होगी जो उसकी तजल्ली होगी, जो मानवी जन्नत की तजल्ली होगी, जो ऐसी बेहिजाब तजल्ली होगी। लेकिन एक जुमला अगर तवज्जो मेरी जानिब है तो अर्ज करूं, आपकी तवज्जो भांपने के लिए रुका हूं। यकीनन बशर के बस की तो बात ही नहीं कि उस बेहिजाब तजल्ली पर बात करे, लेकिन तजल्ली की अगर तारीफ जहनों में है तो तजल्ली का तकाजा ही यही है कि जुहूरुल हकीकतिल वाहिदते फी अक्सर मिन सूरा। तजल्ली कहते ही उसी को है जहां एक ही हकीकत एक से ज्यादा सूरतों में जाहिर हो, तो वो तजल्ली कहलाती है। एक ही हकीकत एक से ज्यादा सूरतों में जाहिर हो तो तजल्ली कहलाती है। अब एक से ज्यादा सूरतों में तजल्ली की एक सूरत का नाम मोहम्मद है, एक का नाम अली है। अल्लाह अकबर। अच्छा सिर्फ यही नहीं, देखिए एक से ज्यादा का लफ्ज है। अब एक से ज्यादा सूरतों में जाहिर हो तो वो कम अज कम भी हो तो दो होंगी, या पांच हो सकती हैं, या बारह हो सकती हैं, या चौदह हो सकती हैं, या बहत्तर भी हो सकती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, बहत्तर भी हो सकती हैं। अल्लाह अकबर। और एक जुमला रुक कर यहां कहता हूं, फिर बात मुकम्मल करता हूं। बात पहुंचने में तो कोई दुश्वारी नहीं हो रही ना, बाहर बैठे मेरे सामाइन तक। एक हदीस है, ये लफ्ज भी मेरा हो तो तकद्दुस मिंबर का मुजरिम, जो देखना चाहे अभी दिखा सकता हूं।
रसूल ने फरमाया, रिसालत में आपकी हदीस है, रसूल ने फरमाया था, और यह जुमला खसूसी तौर पर है हर उस बंदे के लिए जो सल्तनत विलायत की सल्तनत का बाशिंदा है। अल्लाह अकबर। जो सुल्तान सल्तनत विलायत की सल्तनत का बाशिंदा है उसके लिए रिसालत माब ने यह जुमला इरशाद फरमाया था। हर्फ हर्फ की जमानत से कह रहा हूं। रसूल ने फरमाया कि अगर कोई हुबदार अली अपनी मवद्दत के विलायत के नशे में डूबकर, मवद्दत के नशे में डूबकर अगर अली की विलायत और फजीलत में कोई जुमला कहता है तो उसके जुमले को यूं ही ना समझना, वो यूं ही कहा गया जुमला नहीं होगा, बल्कि कहा कलामहु बिमंजिलतिल वहये मिनस समा। जो बंदा अली की विलायत में डूब कर विलायत पर जुमला कहता है उसका कहा हुआ जुमला अपनी कदर और मंजिलत में आसमान से नाजिल होने वाली वही के बराबर होता है। अल्लाह फजीलत अली में का हदीस रिसालत माब है, वही के बराबर है। अच्छा, एक जुमला जो अरब में इतना ज्यादा जुबान ज़दे आम है कि मुहावरे की सूरत इख्तियार कर गया है, क्या? खुजिल हिकमत मिन अफवाहिल मजानीन, दीवानों की गुफ्तगू से हिकमतें कशीद किया करो। अल्लाह अकबर। दीवाने की कलाम से हिकमतें ढूंढा करो, दीवाने की गुफ्तगू में हिकमत हो सकती है। अली की विलायत, अली के हुबदार की मोहब्बत के कलाम में विलायत नहीं हो सकती। तो क्या अर्ज कर रहा था मैं, एक मौला सादिक की हदीस है, बस मैं समेटने के करीब आ गया हूं। मौला ने एक मकाम पर इरशाद फरमाया तजल्ली ही से मुतालिक, फरमाया लकद तजल्लल्लाहु, लकद तजल्ला फी कलाम ही ले खल्क ही, कहा अल्लाह अपनी खल्क के लिए अपने कलाम में तजल्ली करता है। बजाहिर बड़ा सादा सा जुमला है, अल्लाह खल्क के लिए अपने कलाम में तजल्ली करता है। फरमाया उसकी तजल्ली उसके कलाम में लफ्जों के जरिए नहीं होती, हकीकतों के जरिए होती है। अगर नहीं पहुंची बात तो मैं एक जुमला कहकर इसकी मजीद वजाहत करता हूं। मैं आपसे जो हम कलाम हूं, आप मुतवज्जे हैं, समाअत फरमा रहे हैं, आपसे जो कुछ भी मैं फजाइल व मारिफ के ज़ैल में अर्ज कर रहा हूं और आप तक जो बात पहुंच रही है, मेरी मुराद मकसद लफ्ज नहीं है, लफ्जों में मौजूद मानी है, आप तक भी लफ्जों के जरिए मानी पहुंच रहा है। उस मानी से हर बंदे की अपनी अपनी मवद्दत ज़र्फ और अपनी मारिफत के कदो कामत के मुताबिक वो हकीकत तक रसाई हासिल करता है जहां तक नफ्स नातिका ने जिसके लिए जितना रिस्क जिसके नुतक पे रखा है। घबरा तो नहीं रहे ना, मैं जुमला दोहरा के हदीस सुना के फिर वापस आता हूं। लफ्ज मुराद नहीं है, उसकी तजल्ली खल्क के लिए उसके कलाम में है, लफ्जों से नहीं, हकीकतों से। जाबिर से एक मकाम पर मौला बाकिर ने इरशाद फरमाया था या जाबिर अलैका बिल बयान वल मानी, आए जाबिर तुझ पर वाजिब है कि तू बयान और मानी दोनों से तमस्सुक रखे। जाबिर ने कहा या मौला या मल बयान मल वल मानी, मौला बयान क्या है मानी क्या है? फरमाया इन्नल्लाह वल बयान व नहनु मानी है, बयान अल्लाह है उसके मानी हम 14 हैं। अकबर, अल्लाह अकबर, जियो आपके मवद्दत सलाम। अल्लाह अकबर। बयान और मानी से मत तमस्सुक रखो, बयान से भी तमस्सुक रखो, मानी से भी तमस्सुक रखो। बयान पहुंचेगा तो मानी पहुंचेगा, बयान अल्लाह है और उसके मानी आले मोहम्मद। यहां तक बात पहुंच गई तो बस आखिरी जुमला कहते हुए मैं गुफ्तगू समेटने की जानिब बढ़ने लगा हूं।
माला फरमा रहे हैं कि अल्लाह ने तजल्ली खल्क के लिए की है अपने कलाम में, लेकिन उसकी तजल्ली उसके लफ्ज नहीं, उसकी तजल्ली उसकी हकीकत है, उस कलाम की हकीकत है। तो बस अब तजल्ली के मफहूम डेफिनेशन की तरफ तवज्जो कीजिए, नतीजा वसूल कीजिए और गुफ्तगू सिमट गई। क्या कहा? तजल्ली की डेफिनेशन ये थी कि एक ही हकीकत का एक से ज्यादा सूरतों में जाहिर होना तजल्ली कहलाता है। है जहनों में तो जुमला हवाले करूं समाचों के। अब एक ही हकीकत की दो सूरतें हैं, मैं थोड़ी दिक्कत में उतर रहा हूं, इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं कि घबराएं। एक ही हकीकत की दो सूरतों में जहूर, यानी जहूरात दो हैं, हकीकत एक है। अब वो जो दो सूरतें हैं बजाहिर दो हैं, क्योंकि पीछे हकीकत एक है इसीलिए वो दो होकर भी हकीकत में एक हैं। यही सबब है कि अव्वलो ना मोहम्मद व औसतो ना मोहम्मद व आखिरो ना मोहम्मद व कुल्लो ना मोहम्मद। हमारा अव्वल भी मोहम्मद, औसत भी मोहम्मद, आखिर भी मोहम्मद, हम कुल के कुल मोहम्मद। अब वो तजल्ली कर रहा है कलाम के जरिए, उसका कलाम मोहम्मद की जुबान पे जारी होता है, उसकी जुबान का नाम अली इब्ने अबी तालिब। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जियो आपकी मवद्दत सलामत, आपकी मवद्दत सलामत। यही सबब है कि सूरतें दो हैं, दो होकर भी हकीकत में एक, क्योंकि उनकी हकीकत एक है। यह नहीं कि इन दो की हकीकत एक है, वो दो जो किसी एक की तजल्ली बनकर आए हैं, तजल्ली में और तजल्ली के जहूर में फर्क ही कोई नहीं है, है जो उसी की तजल्ली। और यही तो फरमाया रसूल ने कि हम उसकी जात के नूर से खल्क हुए हैं। तो ये इस अंदर छन कर आने वाली रोशनी को कोई मुमय्यज कर सकता है कि ये रोशनी अंदर आ रही है और ये बाहर वाली है? रोशनी जो एक है, बस यही फर्क है कि इन्होंने कहा कि हम उसके बंदे हैं, वो हमारा खालिक है, इसके सिवा हम में और उसमें कोई फर्क नहीं। ज्यारत रजबिया का जुमला है, मेरा जुमला नहीं। यही सबब है कि जो मैं तकरीबन हर मजलिस के अख्तिताम फजाइल पर यह जुमला कहा करता हूं कि जब कभी भी कुछ भी सोचते सुनते पढ़ते इनका कोई भी कमाल सामने आए और समझ ना आ रहा हो, इनकार कभी ना करना, क्योंकि यह भी फरमान है, अल अक्लो लिमरासिमिल उबूदियत लाल सर रुबूबिया। अक्ल उबूदियत की रस्म निभाने के लिए बनी है, रुबूबियत के असरार को पाने के लिए नहीं। तो यही सबब है कि तकाजा ही यही बनता है कि तस्लीम कर लिया जाए, शक ना किया जाए, क्योंकि ये मजहर ही उसके हैं जो अक्ल में आ सकता ही नहीं। बस एक मरतबा दुरूद पढ़ लीजिएगा बिल के बाबा जबलत। माला सज्जाद की जब आमद हुई है, बल्कि मैं दो जरा दो कदम और पीछे चलते हैं। जब जनाब शहरबानो सल्लल्लाहु अलैहि जब आई हैं ईरान से, तो इनके साथ कई कनीजें भी हैं। उन्हीं कनीजों में से मुख्तलिफ कनीजों को जनाब अमीर ने मुख्तलिफ हस्तियों के यहां खिदमत के लिए भेजा। जब 38 हिजरी में मौला की आमद हुई है, तो ये सब कनीजें मौला हुसैन की बारगाह में गई मुबारकबाद पेश करने के लिए। हर कनीज ने तहनियत पेश की, और जब तहनियतें पेश की जा चुकी
तो माला ने इस खुशी के मौका पर, माला सज्जाद की आमद के मौका पर, उसी तहनीयत के एवज उन सब कनीजों को आजाद कर दिया। और जब हुक्म दिया कि तुम आजाद हो, उन्हीं कनीजों में से एक कनीज शीरीन भी है। जब कहा कि आजाद हो, तो शीरीन ने दस्त बस्ता कहा कि हमारे मालिक भी आप हैं, हम आप ही की रैयत हैं। आपने आजाद तो कर दिया, लेकिन आप हमारे मालिक और मुख्तार हैं, जो फैसला आप फरमाएं। उन्हीं दिनों हलब से एक वफद जनाब इमाम के पास आया हुआ है, जिनमें अब्दुल्लाह इब्ने हारून, अजीज इब्ने हारून हलबी भी मौजूद है। इससे मौला ने कहा कि तुम अक्द कर लो, और ताकि तुम्हारे लिए कुछ आसानियां पैदा हों, और जो तुम हकायक इस्लाम जानने के लिए मेरे पास हो, ये उसमें भी तुम्हारे लिए मुआविन साबित होगा। उसने कहा, मौला अगर ये फरमा रहे हैं तो अक्द भी आप फरमा दीजिए, जो भी उसके असबाब हैं। मौला ने जनाब शीरी का इससे अक्द कर दिया। जब अक्द हुआ तो ये चले गए अपने उस इलाके में, जो एक पहाड़ पर एक छोटी सी बस्ती आबाद थी, जिसका नाम मामूरा था। जब मामूरा पर जाकर शीरी ने जिंदगी का आगाज किया, हर साल जब आते ज्यारत के लिए तो आके मौला से कहती कि मौला अगर आपके खानवादे की कोई एक हस्ती भी मेरे घर कदम रंजा फरमा दे तो मेरी जिंदगी का हासिल होगा। हमेशा मौला कहते हम जरूर आएंगे। जब 60 हिजरी को ये आई है ना, तो 60 हिजरी को इसने कहा कि माला आपने वादा फरमाया था कि आप जरूर आएंगे। कहा अब हमारी आमद बहुत करीब है, बस एक बात मैं तुमसे कहता हूं, कभी कैदी तुम्हारे पास आए तो उनका ख्याल रखना। अल्लाह अकबर, कैदियों पे तरस खाना। अब जब इसने सुना कि इमाम कह रहे हैं कि हम आएंगे, ये इतनी खुश हुई, इसने कहा माला मैं आपके खानवादे की, क्योंकि माला ने कहा था कि हम में से कोई एक नहीं, हम सब आएंगे, अली की बेटियां भी होंगी, मैं भी होंगा। अल्लाह अकबर, सिवाय गमे हुसैन के कोई गम न देखें अजादार। जब इसने ये सुना, कहती है मौला आपके खानवादे से कोई एक भी आ जाता, उसके इस्तकबाल में मैं अपना घर कुर्बान कर देती तो हक अदा नहीं होता था, आप इतना करम कर रहे हैं मुझ पर। अब ये वापस चली, वापस जाकर इसने तैयारियां शुरू करी इस्तकबाल की। अजादारो, अब वो दिन करीब आ रहे हैं जो मौला ने इसे बताए थे। अल्लाह अकबर, इसका शौहर तैयारियां कर रहा है गुलामों के जरिए कि फुला मकाम पर इमाम को बिठाना, फुला मकाम पर उनके साथियों को, यहाँ उनके सोने का, यहाँ उनके खिलाने का, इसी तरह पर्दादारों का अहतमाम कर रही है खुद शीरी। अब ये अहतमाम में मसरूफ हैं, दिन करीब आ रहे हैं। एक रात पहले जब शीरी अपने बिस्तर पर गई है, इस्तरार से इसको नींद नहीं आ रही, इधर इसकी आंख लगना थी चंद लम्हों के लिए, इसने जुमला सुना, आवाज मौला हुसैन की है और आवाज आ रही है शीरी मैं आ गया हूं। अल्लाह अकबर, घबरा के उठ बैठी। अभी उठी थी, कुछ देर गुजरी, दरवाजे पे दक्कल बाब हुआ। कहती है हो ना हो ये मेरे मौला का कासिद होगा, मौला का कासिद होगा। अब इसका शौहर भी मुंतजिर है कि मौला का कासिद होगा। जब दरवाजा खोला, देखा वाकई कासिद है, लेकिन जब कासिद ने खत थमाया और कहा कि हम हाकिम की जानिब से आए हैं, हाकिम वक्त ने भेजा है कि मामूरा में हलबी के पास जाओ और उससे जाकर कहो कि हम करबला की जंग फतह करके आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, हमारी रिहाइश का बंदोबस्त करो। अजादारों, ये सुनकर मायूस हुआ, मायूस होकर अपने गुलामों से कहा जाओ इनके लिए जो ये कहते हैं बंदोबस्त करो, मैं इमाम के इस्तकबाल की तैयारियों में मसरूफ हूँ। अजादारों, अब जहाँ पर्दादारों को बिठाया गया था, वहाँ शीरी ने अपनी एक कनीज को भेज दिया, क्योंकि मौला ने कहा था कभी कोई कैदी आ जाए तो उन पर तरस खाना। अब शीरी की कनीज आकर बैठी है, जब वो आके बैठी है, अब अजादारों
सरदारों, सवाल किया किसी बीबी ने, कहा तुम्हारा शहर क्यों सजा हुआ है? जब सवाल हुआ ना, कहती है जो मेरी आकाजादी है ना शीरी, उसकी आकाजादी ने आना है, अकबर की बारात ने आना है, अकबर के बारातियों के लिए हमने इस्तकबाल के लिए शहर को सजाया है, हम उनके मुंतजिर हैं। अदादारो कनीज का ये जुमला सुनना था, अली की बेटी की आगोश में बैठी हुई मौला हुसैन की 4 साल की बेटी ने कहा, फूफी अम्मा कहीं ये शीरी का घर तो नहीं? अल्लाह अकबर, सिवाय गमे हुसैन के कोई गम न देखे अजादार। अजादारों ये जुमला सुनना था, ये कनीज ठिठकी, तड़प के उठी, कहती है कहीं ऐसा ना हो कि ये वही हो। अपनी आकाजादी शीरी के पास गई, जाके कहती है पता नहीं क्यों मेरा दिल कहता है ये वही है जिनका इंतजार है। अब उसने जब मैं समेटने लगा हूँ, छोड़ दी सारी बात। अजादारों जब इसने कहा ना कि मुझे लगता है कि ये वही है, उस शीरी ने कहा कि मुझे बता उनके बारे में। इसने सिर्फ 2 जुमले कहे, गजब से तड़प कर खड़ी हो गई शीरी, कहती है जिनके बारे में तू कहती है कि वो जख्मी औरतें हैं, भला वो अब्बास की बहनें हो सकती हैं? अल्लाह अकबर, जिनके बारे में तू कहती है कि उनके सफेद बालों से खून के कतरे टपक रहे हैं, हाथों में रस्सियां हैं, वो अली की बेटियां हो सकती हैं? अजादारो ये जुमला कहना था कि शीरी की समाअत में एक मरतबा आवाज गूंजी, शीरी मैं आ गया हूं। अब शीरी दौड़ी उसी जानिब जहां उन कैदियों के बैठने का बंदोबस्त था। एक शहजादी के करीब आई, करीब आकर सलाम किया। जब सलाम का जवाब आया ना, बिजली गिरी शीरी पर। क्यों? जवाब उसी अंदाज से दिया गया था जैसे अली की बेटी देती थी। इसने पूछा कहाँ से हो? कहा मदीना से। मदीना कहाँ से? कहा महल्ला बनी हाशिम से। जब कहा ना महल्ला बनी हाशिम से, अजादारो शीरी ने अपनी कनीज से कहा जल्दी कर कुरान लेकर आ, मुझे यकीन नहीं रहा। अजादारो इसकी कनीज कुरान लेकर आई, ये कुरान हाथों पर लेके ये कहते हुए अली की बेटी की तरफ आगे बढ़ी कि मुझे यकीन नहीं आता कि ये वही है। लेकिन अगर कुरान इनके पास आए तो कुरान फजा में तवाफ करना शुरू करता है। अजादारो शीरी कुरान लेकर बिनते अली की तरफ बढ़ी, ये करीब आई, शीरी के हाथों से कुरान बुलंद हुआ, बीबी का तवाफ करना शुरू किया। शीरी ने टक्कर मार के जमीन कर बीबी के कदमों पे सर रख के कहती है ऐ शहजादी मुझे माफ करना। अल्लाह, बीबी ने कहा शीरी तुमने भी ना पहचाना, मैं अली की बेटी हूँ, ये बेड़ियों में सज्जाद है, ये नैजे पे हुसैन का सर है। अल्लाह लानतुल्लाह अला जालिमीन, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل كدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين। इल्तिमास है कि एक मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमा दें, कि जिस निस्बत से ये चहलुम की मजलिस जिस मरहूम की रूह को इस साल के लिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।